पिस्टन आप देख सकते हैं, देखिए इसका जो पिस्टन है अब देखिए पकड़ लिया है, अरे हम लोगों का रोटेट नहीं कर रहा है, जिसके कारण क्या है हम लोग अब पीछे का जो एलोविल है वो जैम हो जा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग इस पिस्टन को हम लोग निकालते हैं, निकाल कर टिक्स देखिए, ये हम लोग एयर लिया और यहाँ से हम लोग फायर कर यहाँ से पिस्टन हम दे देंगे और देखिए आराम से निकल जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों का ये निकल गया, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा टिक्स है। तो अभी देख है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मेरा नाम है कमालुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमाल ऑटो मोबाइल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है काफ़ी खास है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों वीडियो। और देख पा रहे हैं मेरे पास RTR 164 भी बाइक मेरे पास आया है और इस बाइक में एक प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। ये देखिए ये जो हम लोगों का जो पीछे का एलोवेल है एक बहुत ज़्यादा जैम हो चुका दोस्तों, चक्का घूमने का कोई नाम ही नहीं ले रहा दोस्तों देखिए। और हम लोगों का जो ब्रेक है ये पूरा फेल हो चुका है। तो इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये जो हम लोगों का जो रिजल्ट आया है इसका जो पिस्टन है इसमें पिस्टन जैम हो चुका है, जिसका कारण क्या होता है हम लोगों का जो व्हील जैम हो चुका है। और इसका कारण क्या होगा, हम लोगों का जो गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट होगा, चलाने के बाद गाड़ी बहुत हीट होगा, माइलेज भी कम देगा और इसका क्लच प्लेट भी फूक सकता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें वीडियो को मध्यम से को दिखाने वाला दोस्तों। और एक से सबसे अच्छा टिक्स है, काफ़ी ज़्यादा मैकेनिक यहाँ पे क्या होता है परेशान हो जाता है, मतलब ईयर को छोड़ने के लिए इसका जो ब्रेक पैडल का जो ईयर है ईयर को छोड़ने का परेशान हो जाता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें बहुत अच्छा टिक्स। तो सो गाइस फाइनली हम लोग इसका जो मास्टर सिलेंडर है हम लोग ओपन कर लिए हैं सिलेंडर को, और इसका जो पिस्टन आप देख सकते हैं देखिए इसका जो पिस्टन है देखिए पकड़ लिया है एकदम, अरे हम लोगों का रोटेट नहीं कर रहा है, जिसके कारण क्या है हम लोग अब पीछे का जो एलोविल है वो जैम हो जा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग इस पिस्टन को हम लोग निकालते हैं, निकाल कर टिक्स देखिए, ये हम लोग एयर लिया और यहाँ से हम लोग फायर कर यहाँ से पिस्टन हम दे देंगे और देखिए आराम से निकल जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों का ये निकल गया, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा टिक्स है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कितना डस्ट पार्टिकल यहाँ पे जम गया देखिए, ठीक है ये पूरा जो हम लोग ये इसका जो रावर है ये बॉकेट को हम लोग निकालेंगे और अच्छे से इसको पानी से वॉशिंग करेंगे दोस्तों, मतलब कोई पेट्रोल कोई डीजल कोई मिट्टी ऑयल भी यहाँ पे नहीं देंगे इसका। अगर पेट्रोल या आपका मिट्टी ऑयल अगर इसके यूज़ करें तो क्या होगा इसका जो बॉकेट है ना वो ज़्यादा, जिसके कारण ये बॉकेट हम लोगों का ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस बॉकेट को हम लोग निकालते हैं, ठीक है देखिए यहाँ पे जो रबर है इसको हम लोग निकालेंगे। चलो इसका जो रबर है हम लोग अभी निकाल लेंगे, इसके अंदर से आप देख सकते हैं देखिए, रबर को हमने निकाल लिया, इसको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अच्छा से इसको साइड में रखेंगे अभी इस रबर को। और इसका अंदर देखिए अच्छा से यहाँ पे हम लोग वॉशिंग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा हम लोग थोड़ा ईयर का उपयोग करेंगे दोस्तों, तो अच्छा से हम लोगों का क्लीन हो जाएगा।
दोस्तों एक बात याद रखना है, ये जो हम लोगों का जो पिस्टन है सिलेंडर का, जो हम लोगों का पिस्टन है, तो पिस्टन ना थोड़ा सावधानी से यहाँ पे काम करना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कोई स्विच कच वगैरह कुछ मत यूज़ करना, और ज़्यादातर यहाँ पे ना अगर कैच हल्का थोड़ा कैच हो गया, तो दाग हो गया, तो हम लोगों का वॉल लीक करने लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा थोड़ा कपड़ा से और पानी से थोड़ा सफाई कर। तो सो गाइस अभी देख सकते हैं हम लोगों का भी इसके अंदर जो रबर है, जो पॉकेट है, हम लोग फिटिंग करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो हल्का थोड़ा इसमें तो सो गाइस फाइनली देख सकते हैं हम लोगों का जो पीछे का जो एलो व्हील हम लोग फिटिंग कर दिया, और इसके अंदर जो पिस्टन वगैरह जो है सब कुछ हम लोग वॉशिंग कर दिया, और अभी हम लोग गाड़ी में पूरा फिट कर दिया। और इसका जो यहाँ पे ज़्यादातर मैकेनिक यहाँ पे घबरा जाता है और यहाँ पे परेशान हो जाता है, ये जो हम लोगों का जो ब्रेक पैडल है ये देखिए पूरा फॉल्स है, मतलब इसका जो ईयर हम लोग कैसे छोड़ेंगे। अच्छा एक टिक से यहाँ पर आपको हम शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो बने रही है, और वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों। इस वीडियो को थोड़ा शेयर और लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो बना रही है, अभी जो है हम लोग एयर को कैसे छोड़ेंगे, ये वाला जो पाइप हम लोगों का है इसको हम लोग ओपन करेंगे, और जो हम लोग सामने में जो मास्टर सिलेंडर है इसको हम लोग ओपन करेंगे, ये वाला लेके और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करके यहाँ पर हम लोग एयर को छोड़ेंगे, ठीक है। तब जाके हम लोग ये पैडल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो बने रहिए। दोस्तों गाइस फाइनली हम लोगों का ब्रेक अभी पीछे का कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, एकदम फर्स्ट क्लास अभी चल रहा है, और चाका एलो व्हील हम लोगों का बहुत फ्री हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा ब्रेक शू जी नया लगा हुआ है, और स्प्लिट भी नया लगा हुआ है इस बाइक का, और हम लोगों का ये ब्रेक शू भी नया है, थोड़ा हल्का सा थोड़ा जाम करेगा दोस्तों, लेकिन हम लोगों का चाका भी फ्री हो चुका दोस्तों, और ब्रेक भी हम लोगों का एकदम सही हो चुका दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, और मेरा चैनल में अगर पहली बार आया चैनल को तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन तो प्रेस कर देना, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसे टेक्निकल वीडियो हेल्पफुल वीडियो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों चैनल पर। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कोई नेक्स्ट कोई टॉपिक लेकर दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों। अच्छा 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 ठीक।
सबसे अच्छा एक्टो अरे यार सबसे अच्छा एक्टिक्स यहाँ पे आपको डिस्पैड भी लगना है, डिस भी क्या बोलना डिस्प्ले डिस्प